दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म क्यों करें इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों बहुत से लोग अमीर तो बहुत बनना चाहते हैं, पर वो लोग आलसी भी बहुत होते हैं। उनके दिमाग में यही सवाल आता है कि अमीर बनने के लिए कर्म करने की ही क्या जरूरत है, या कुछ ऐसा काम करने की क्या जरूरत है कि हमें अपने लाइफ में जो अमीर बनने में मदद करें। दोस्तों इस वीडियो में हम चार ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे, जो जिस नियम को आप समझ करके ये समझ सकते हैं कि आपको कर्म क्यों करना चाहिए। पहला है, सक्सेस का सिर्फ एक ही शॉर्टकट होता है, वो है मेहनत। अगर आप कर्म ही नहीं करना चाहते तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको अमीर होना है, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से मेहनत करने से ही आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो आपको कोई इफेक्ट ही नहीं मिलेगा। अगर कोई इस यूनिवर्स का यही लॉ है कि जब कोई इफेक्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है, इसलिए आप कर्म करेंगे तभी आप अमीर बन सकते हैं या तभी आपके सपने सच हो सकते हैं। अगर आप कोई कॉज ही ना दे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। चलिए तीसरे टिप की बात करते हैं। तीसरा टिप है, यू कॉन्ट लिव विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर आप सोचते हैं कि आप पूरे जीवन में कोई कर्म ही नहीं करेंगे, आप सदा आलसी ही रहेंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप कुछ ना भी करने की सोचे तो भी आप कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। ये यूनिवर्स या ये नेचर इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले कर्म ना करने की, आप किसी न किसी तरीके से कर्म करेंगे ही, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी जीव इस संसार में नहीं रह सकता। यहाँ तक कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं भी कर्म करते हैं। वो चाहे आंखों से दिखाई ना दे पर उनका भी कुछ ना कुछ कर्म होता है। बिना कर्म करे ये संसार चल ही नहीं सकता। या आप जो अमीर बनने के सपने देख रहे हैं, आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि कर्म करना इस यूनिवर्स का लॉ है। चौथा लॉ है, मोमेंट एंड चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, इसका सीधा सा मतलब है आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और जो चीज़ जैसी है वो इस यूनिवर्स में कभी भी वैसी ही रहती ही नहीं है। इस यूनिवर्स का नियम है कि चेंज इज कॉन्स्टेंटली। हर चीज़, यहाँ तक कि निर्जीव और सजीव, छोटे से छोटा पार्टिकल भी इस यूनिवर्स का चेंज होते रहता है, उनमें मूवमेंट होते रहता है। अगर कोई चीज़ मूवमेंट में नहीं दिखता, फिर भी उसमें सब एटॉमिक लेवल पर मूवमेंट होते रहता है। इसलिए आपको इस बात को समझ ही जाना चाहिए कि बिना कुछ चेंज किए या बिना मूवमेंट के लाइफ चल ही नहीं सकती या यूनिवर्स चल ही नहीं सकता। इसलिए इन चारों लॉ को याद रखो और ये जरूर समझो कि कर्म करे बिना ही आपको कुछ नहीं मिल सकता, कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहे या ना चाहे। धन्यवाद।